हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम इस प्रकार का एक और नई डिज़ाइन का डोरमेट बनाएंगे। देखिए, एक और नई डिज़ाइन का डोरमेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम इसे बनाएंगे। ये देखिए, मैंने तीन इसमें कली जो ये देखिए अलग अलग कलर की बनाई है, यानी टोटल छह कलर मैंने लिए हैं। हर कली में हमारे दो कलर लगे हुए हैं, तो इस तरह से मैंने छह कलर लिए हैं। ये जो डोरमेट है ये मैंने 20 फंदे में बनाया है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो दो के मल्टीपल से कितने भी फंदे डालकर बड़ा बना सकते हैं। दो के मल्टीपल से हमें फंदे इसलिए डालने हैं क्योंकि हर लाइन में हमें दो दो फंदों को छोड़ना है, इसलिए फंदे दो के मल्टीपल से ही डालेंगे। तो इस तरह से इस डोरमेट को हमें बनाना है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इसी तरह से नई नई डिजाइन के डोरमेट बनाते रहें। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फंदे डालना बता देती हूँ। तो ये देखिए, फंदे डालते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉट लगाएंगे इस तरह से। स्टार्टिंग में एक नॉट लगाएंगे ये, उसके बाद में हम फंदे डालेंगे। टोटल 20 फंदे डाल रही हूँ मैं इसमें। तो ये देखिए, एक ये डल गया है, ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये 20। 20 फंदे मैंने इस तरह से डाल लिए हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। वीडियो को बीच में छोड़ें ना दोस्तों, पूरी एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा क्लियर डोरमेट कि कैसे ये बना है। तो वीडियो को बीच में ना छोड़ें। और आप कोई और नई डिज़ाइन का डोरमेट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस डिज़ाइन का डोरमेट पसंद है, तो वो मैं आपको कोशिश करूंगी बनाने की। तो आप एक बार कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये जो डोरमेट है ये बनाएंगे और हम अपनी पहली कली बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से फंदों को लेकर बनाएंगे। आप चाहें इस डोरमेट में कलर एक कलर से भी इसे बना सकते हैं, जैसे कली जो है दो कलर लिए हुए हैं उन दो कलर से ही आप बना सकते हैं। आप चाहें तो चार कलर में बना सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह छह कलर में या फिर मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। हर जो हमने एक एक कली ली है, उस हर एक कली को दो दो कलर के जो हैं उनको अलग अलग लेकर कैसे भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास अगर साड़ियों के टुकड़े बच गए हों डोरमेट बनाते बनाते, तो आप उनको लेकर भी इसे इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरा ये बनाना है। पूरी जो हमारी लाइन है वो इसी तरह से बनेगी। ये देखिए, कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, बस एंड में आकर हम क्या कर देंगे, दो फंदों को छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। एंड में आके दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, एक और ये दो, दो फंदे छोड़ दिए, इस साइड आ गए हम। अब इस साइड आकर अब हमें क्या करना है, हमारा कलर चेंज करना है। इस वाले कपड़े को यहीं रहने देंगे और दूसरे कलर का कपड़ा लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये, अब देखिए इस कलर से हम बनाएंगे। दो फंदे तो छोड़ दिए हैं हमने और सारे फंदे अब इस कलर से बनाएंगे। कपड़े को दबाते हुए चलेंगे जिससे ये दिखाई ना दे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए आप, इस तरह से हम पूरा ये बनाएंगे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बहुत आसान डोरमेट है ये। आप इस डोरमेट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि जो इसमें हम कलर वगैरह कहाँ कैसे चेंज करते हैं, उस चीज का ध्यान रखना। एक फंदा एक साइड से उतार देंगे और इस साइड से आकर इसे बना लेंगे। एक साइड से ही हमें उतारना है और दूसरी साइड से बनाना है। साइड में जो शेप आती है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं अपने हर डोरमेट में ऐसा ही करती हूँ। और आपसे को भी यही सलाह दूंगी, आप भी अपने हर डोरमेट में इसी तरह से बनाएं, एक साइड से फंदे को उतार दें, दूसरी साइड से बना दें। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान है ये। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं बना लें, बस फंदे दो के मल्टीपल से हमें
डालना है। ये देखिए, दो दो के जोड़े में फंदे को डालेंगे। दो फंदे हमने फिर छोड़ दिए इस कलर के। अब हमारा कलर भी चेंज होगा फिर से, तो ये देखिए इस तरह से कलर भी चेंज करेंगे और साथ साथ में दो फंदे भी छोड़ेंगे। हमें हर सिलाई में यही करना है, फंदे भी छोड़ने हैं और कलर भी चेंज करना है। जब फंदे छूटेंगे तब हमारा कलर चेंज होगा। इसी तरह से ये देखिए, एक फंदा फिर उतार दिया मैंने और इस साइड से इस फंदे को बना लूंगी इस तरह से। ये देखिए, पूरी हमें इसी तरह से बनानी है। ये बहुत ही आसान है, बस वीडियो पूरी आप एंड तक देखें, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं। ये देखिए, ये देखिए, दो फंदे फिर छोड़ देंगे और इस साइड आकर फिर से कलर चेंज भी कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, ऐसे ही हम इसे बना रहे हैं। अब एंड में आके फिर क्या करेंगे, दो फंदे फिर छोड़ देंगे और यहाँ आ गए हम इस तरह से, और दूसरा कलर ले लिया अब हमने। ये देखिए, इस साइड से बनाएंगे अब। दो फंदे फिर उतार देंगे और कलर भी चेंज कर देंगे। दो फंदे फिर छोड़ दिए हमने और कलर भी चेंज करेंगे इस तरह से। फिर से दो फंदे छोड़ दिए
और कलर भी चेंज करेंगे। ये देखिए दो फंदे हम फिर छोड़ देंगे इस तरह से और कलर भी चेंज कर देंगे साथ साथ में। दो फंदे फिर छोड़ देंगे और ये देखिए बिल्कुल एंड में आ गए हम। अब इस कलर से बना देंगे और ये एक फंदा ऐसे ही, ये देखिए इस तरह से। तो हमने दो दो करके सारे फंदे हमारे छोड़ लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, सारे फंदों को बनाएंगे। तो जो जिस कलर का है वो उसी कलर का बनाएंगे, इसको पीछे कर देंगे। अब इस कलर से इसको भी पीछे कर देंगे। अब इससे ये देखिए, फिर इससे फिर इससे यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो फंदे हमने जिस कलर से छोड़े थे उसी कलर से उसको बना रहे हैं। दोनों कलर को साथ में लेकर चल रहे हैं। ये देखिए सारे फंदे हमें बनाने हैं, एंड वाले भी हम बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट है ये कली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कलर चेंज करना है। तो दूसरा कलर मैं यहाँ से अब लगाना शुरू करती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हमें कलर चेंज करना है। तो ये देखिए ये वाला कलर मैं यूज में ले रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज में ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो पूरा डोरमेट भी इसी एक कलर से, ये जो दोनों हैं इन्हीं से बना सकते हैं। जैसा भी आप चाहें, मल्टी कलर का बनाना चाहते हैं तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। देखिए ये देखिए अब इस साइड से बनाएंगे। दो फंदे फिर छोड़ देंगे और इस साइड से फिर से हमारा कलर चेंज होगा, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया था बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों इसी तरह से इसको हमें कंप्लीट बना लेना है। मैं इसी तरह से ये पूरा जो डोरमेट है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं मुझसे कि आपको इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो आप कमेंट कर लें, तो मैं उससे भी आपको बता दूंगी। तो इसी तरह से पूरा डोरमेट हम कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमने इतना ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमारी गले पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अब आपको घटाना भी बता देती हूँ कि इन फंदों को हमें कम कैसे करना है। तो देखिए, दो फंदों को कोई सा भी आप एक कलर ले लें और उससे इस तरह से फंदों को घटा दें। ये देखिए इस तरह से एक, फिर इसको इसमें लेंगे और ये देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, सारे फंदों को ऐसे ही दो का एक कर करके कम करना है। सारे फंदे बिल्कुल इसी तरह से हमें कम करने हैं और कुछ नहीं करना है। ये देखिए सारे फंदे हमारे इस तरह से कम हो जाएंगे और इसे हम फिर कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया और इसे इस तरह से ही हम सिल भी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसे फंदों को घटाना आपको बता दिया था और फिर इस तरह से मैंने इसे सिलकर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से यहाँ पर सिल लिया, पूरा डोरमेट मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। चार चार की हमारी ये कली है, देखिए ये इधर और ये इधर, ये वाली कलर ये और ये वाला इधर। इस तरह से ये मेरा डोरमेट बनकर कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये जो डोरमेट की डिजाइन है ये कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।